दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मिरेकल स्मैटिक डायग्राम के बारे में। और आपने पहले यूज़ किया होगा ऐप फाइंडर डोंगल, जिसमें हार्डवेयर आप देख सकते हो किसी भी मोबाइल का, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, बोर्नियो कंपनी का भी टूल है। तो अभी मिरेकल ने निकाला है स्मैटिक डायग्राम प्रो के नाम से, ठीक है। ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है। इसमें किसी भी मोबाइल का आप हार्डवेयर देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मोबाइल में तो उसका भी सोल्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा। और इस टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको इसे रजिस्टर करना है, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले सेटअप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में लिखना है मिरेकल सेटअप जेएसएम, ठीक है। सबसे ऊपर में आपको मिरेकल बॉक्स जेएसएम फॉरम के नाम से लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरेकल स्मैटिक डायग्राम का जो यहाँ पे जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो लिंक है डाउनलोड का, दोनों में से किसी में से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो सेटअप है डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। तब इंस्टॉल जब आप करेंगे तो एंटीवायरस को आपको डिसेबल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, मोर इन्फो पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे रन एनीवे पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है इंस्टॉल कर लेना। फिनिश करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मिरेकल बॉक्स है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ कंप्यूटर से मतलब है, ठीक है, यानी कि हार्डवेयर आईडी, ठीक है। जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपका हार्डवेयर आईडी जो कंप्यूटर का है वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ये आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर डाल सकते हैं इसे, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए, एक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। जब आप इसे हार्डवेयर आईडी को वेबसाइट पर डालेंगे, वहाँ पर जब आप खरीदेंगे तो एक्टिवेशन कोड आपको ऑटोमेटिकली आपके ईमेल में मिल जाएगा। या यदि अगर आप व्हाट्सएप पे बुक करते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको ये हार्डवेयर आईडी देना होगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पर इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हम आपको दे देंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप इस टूल को 3 बार ही जो है अलग अलग कंप्यूटर में आप इसे यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर में यूज कर, अगर आपका कंप्यूटर खराब हो गया है तो दूसरे नए कंप्यूटर में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके हार्डवेयर आईडी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ से हार्डवेयर आईडी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 बार एक साल के अंदर में ओनली 3 बार ही आप हार्डवेयर आईडी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम जिस कंप्यूटर में आप यूज करेंगे उसी में यूज करना पड़ेगा आपको, दूसरे कंप्यूटर में आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो की किस तरह से आपको जो है खरीदना है और कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और 3 कंप्यूटर में ही अलाउड है, 3 बार ही मतलब आप इसे किसी भी कंप्यूटर में जिसे रजिस्टर करवा सकते हैं, हार्डवेयर आईडी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।